13 दिसंबर मंगलवार को लोकसभा से जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ाने के लिए जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी दूसरा संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक में जीएसटी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा तय की गई है। 13 दिसंबर को यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया था। इस विधेयक में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप करना है। आगे निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी न्यायालय के गठन से देश में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामलों का बोझ कम होगा और जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर न्याय के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें, इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और राज्यों में एक या दो पीठ होगी जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिल जाएगी। सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि एमएसएमई योजना के तहत कार्य करने वाली छोटी इकाइयां सहूलियत से अपना कार्य कर सके। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि जीएसटी कानून में संशोधन से लघु क्षेत्र की इकाइयों को सार्वजनिक उपक्रमों से भुगतान में देरी नहीं होगी। सरकार एमएसएमई इकाइयों के प्रति संवेदनशील होकर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 50 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम उम्र 67 साल और अध्यक्ष के लिए उम्र 70 करने का प्रावधान है। फिलहाल ये आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 67 और सदस्यों के लिए 65 साल रखी गई है। बता दें, इस विधेयक से जीएसटी से जुड़े विवादों का मसला सुलझाया जा सकेगा। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, गठबंधन वाली सरकार ने 2006 और 2007 में कहा था कि हम जीएसटी से संबंधित विधेयक लाएंगे, लेकिन 2014 तक वो सरकार सिर्फ जीएसटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती रही क्योंकि वो टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है, हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी है और बिलों को समय पर धरातल पर उतारती भी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।